सभी को हमारा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? राजा दिखाई ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज पिछला ब्लॉग आपने मेरा देखा होगा, वो ससुराल जाने का था और आज है मैं अपने मायके से ससुराल को जा रही हूँ। आज मेरी वापसी है दोबारा ससुराल की तरफ और अभी मैं काफ़ी सुंदर जगह पर खड़ी हुई हूँ, रानीखेत से आगे। मैं अभी हूँ रानीखेत से आगे जो पिलखोरी जगह पड़ती है वापसी। व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा था तो हमने कहा इसको शूट कर लें। बोलते ना मॉर्निंग सुबह खुले आँख खुले तो इतना अच्छा व्यू देखे तो कितना अच्छा लगे पहाड़ में। रोक दो गाय आगे जाके। गाय ने पीछे अम्मा जी की, यहाँ अम्मा जी की गाय भाग गई है और पीछे वो अम्मा जी अपनी गाय को लेने के लिए रुकी है। गाय चलती बनी है ऊपर को। अब हम पहुंचने वाले हैं खैरना और बीच में एक काफ़ी सुंदर जगह देखने को मिली। नदी है, नदी का पानी काफ़ी चौड़ी। वो वहाँ पे एक डॉगी भी है, देखो वो मज़े ले रहा है वहाँ पे, सैर कर रहा है सैर। काफ़ी सुंदर व्यू है। अब हम आगे को चलते हैं। रुकना है, अब हम चल रहे हैं आगे को। है खैरना का पुल, ये नया पुल बन रहा है शायद दूसरा, और ये पुल और इसके यहाँ पे इस साइड पे और साइड पे और उस साइड दोनों साइड पे पानी का बहाव रहता है काफी। और ये वाली जो रोड अब आएगी, ये वाली रोड जाएगी अल्मोड़ा को और हम अब बढ़ गए हैं खैरना की तरफ। हल्द्वानी रोड ये है, यहाँ की खैरना मार्केट जहाँ पे पब्लिक वहाँ पे जाम जाम लगना तो लाजमी है भाई हर जगह। यहाँ पे देखो कितना अच्छा व्यू है, अभी बिल्कुल हो रहा है ना, बोलते हैं ना आसमान जमीन पे आया है उसमें पहाड़ों का, यहाँ पे बिल्कुल मैच कर रहा है। इतना अच्छा व्यू है, इतनी ठंड हो रही, इतनी गर्मी के मौसम में ऐसा मौसम कहाँ मिलता है। अब यहाँ पे कहीं हमें अच्छी सी मैगी मिल जाती, मैगी पॉइंट मिल जाता, सच में मैगी खा लेते हैं। मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। हम यहाँ पर रुके कोहरे का नज़ारा के मज़ा लेने के लिए, बट बारिश होने लग गई हम लोग अब, बट हमारे पास रेनकोट है, इस बार हम भीगेंगे नहीं, पिछली बार हम जितना भीगे थे। रुके हैं रास्ते में, थक गए काफ़ी ज़्यादा। क्या कोहरा लगा है, कितना मज़ा आ रहा है ना सफ़र में आज। ये बारिश होने लग गई है, बारिश थोड़ा, और हमने वहाँ से लिए फूल, हमने लिए हाजरी के फूल। ये हाथों हटा दो, कैसे देखेंगे, देखिए
मैंने यहाँ पे देखो नेचुरल फूल लगे हुए हैं, कितने अच्छे अच्छे तो एक भी नहीं बचा है यार। ये देखो कोहरा क्या लगा है। यहाँ पे अभी हम पहुँच गए हैं हल्द्वानी काठगोदाम पे। अभी हम वेट कर रहे हैं, हमने हमारा सामान था, मेरे जो बैग्स थे वो एक गाड़ी में रखे थे, तो अभी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। और बारिश लगी हुई है हल्की हल्की सी, मौसम अच्छा है, गर्म तो हो ही रहा है, फिर भी अब क्या करें, गर्म होते रहता है। अब ये हमारे मिस्टर बिल्कुल हेमन में हाथ रख के, आज मौसम अच्छा है, रामनगर 59 है तो हमारा काटूंगी होगा 30 किलोमीटर तक। अभी ये है हल्द्वानी के यहाँ से काठगोदाम, हम 83 किलोमीटर क्रॉस करके आ गए हैं। 83 रानीखेत है, रानीखेत से मेरा गांव है 30 किलोमीटर, 100 तो हमने कर ही लिया, 100 अबव। तो इनका डॉगी भी यहाँ पे है बेचारा, वो देखो रोड में उससे क्रॉस करने को नहीं मिल पा रहा। आजा, आजा, बिस्किट खाएगा। ओहो कैसे लगी थी को? लगी कैसे? छोटे से पपी को लगी है। अब हम घर पहुंच गए अपने, हमने खाना वाना खा लिया, इतनी गर्मी हो रही थी, उतना बारिश भी था, फिर इधर हुआ कि गर्मी हो गया था, तो मैं लास्ट में अपने घर आने का सूट नहीं कर पाई क्योंकि हमारे पास वो बैग भी था जो गाड़ी वाला था, फिर बैग हमारे पास ही था। अभी हम घर पहुंच गए, खाना पीना खा लिया, अब थक गए। और ये देखिए क्या कितना सुंदर प्लांट हो रहा है यहाँ पे। अभी घर आके सब 2 हफ्तों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ये हम पिछली बार ये हम बेल लाए थे, ये बेल भी काफ़ी अच्छी हो गई, और मेरे भिंडी के पेड़ भी काफ़ी बड़े हो गए। और मैं आपको एक प्लांट और दिखाती हूँ, ये देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे प्लांट्स हो गए। अब चलो अंदर मिलते हैं ईजा लोगों से, उस वक्त मैं आप लोग को मिला नहीं पाई, वहाँ पे ईजा थी, यहाँ पे भी ईजा मिल गई अब। और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, अभी हो रहा है चाय का टाइम। हम यहाँ पे पहुँच गए थे कितने बजे, 4 बजे, 3:30 बजे, 3:30 बजे हम पहुँच गए थे। थकान भरा रहा। ईजा कैसा लग रहा है, मैं आ गई? बढ़िया ये। चलो अब मैं आपको बाहर का व्यू और दिखाती हूँ, कितना अच्छा हो रखा है। बारिश लगी थी तो मेरी स्कूटी में आज के हमारे कपड़े खिले थे, वही सूखे हुए सुखाने को डाले हैं। हमारे गुलाब हो गए। सो अब आज का ब्लॉग मैं यहीं पे इन करती हूँ। आई होप आप लोग को हमारा ट्रैवल ब्लॉग, घर से यहाँ आने का ब्लॉग पसंद आया होगा। सो वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़।